दिनारा क्षेत्र की कॉलोनियों में निकासी के अभाव में रुका है पानी। आसपास सड़क बनने से बड़ी गहराई, अवैध कॉलोनियों की खाली प्लॉटों व जमीन में बारिश के चलते पानी भरा हुआ है। पिछले दिनों में 24 घंटे की बारिश होने के बाद तालाब का रूप ले लिया है। इसके आसपास यहां पर कुछ मकान बनने से गहराई भी बढ़ गई है, जिससे बच्चों के गिरने का भी खतरा बना रहता है। तेज बारिश होने के बाद पोस्ट ऑफिस बगल की कॉलोनियों में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। दिनाना की कॉलोनियों में जो ग्रामीण रहते हैं बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जिन कॉलोनियों के बीच बारिश का पानी एकत्रित हो रहा है वहां पर मच्छरों की पैदावार तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा नाले व नालियों का निकास सही नहीं होने के कारण जगह जगह पानी रुकने के साथ सड़कों पर गंदा पानी फैलता रहता है, जबकि उन अवैध कॉलोनियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है जहां खाली पड़े प्लॉटों में बारिश का पानी जमा हुआ है, जिसमें इस समय जलखूबी व मच्छरों की पैदावार सबसे अधिक बढ़ी हुई है। इस कारण वहां के लोगों को परेशानी के साथ साथ बीमारी का भय भी बना हुआ है। पर पानी निकासी के लिए किसी प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ है, इस कारण बारिश का पानी यथास्थिति में भरा हुआ है। प्लॉट काटकर उसे कॉलोनी व सुविधा का लालच देकर लोगों को, कॉलोनीदारों को मुसीबत में डाल दिया है। दिनाना कस्बे के आसपास वैसे तो 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी बना दी गई है। पानी के साथ घुस रहे हैं सांप बिच्छू। गुरुवार को ही आधे घंटे के तेज बारिश से नालियों में जहां बाढ़ आ गई थी, तो वहीं इन कॉलोनी में भी पानी ओवरफ्लो हो गया था। दिनारा की कॉलोनी में रहवासियों ने बताया कि बारिश अधिक होने से खाली प्लॉटों का पानी घरों में घुस जाता है। इसके साथ ही जहरीले सांप व कीड़े घरों में घुस रहे हैं, जिससे जान का खतरा भी बना हुआ है। बारिश के दिनों में कॉलोनी में पानी भरा रहता है, गंदगी होने के कारण ग्रामीणों को निकलने में काफी परेशानी होती है। ऐसे दिनारा में कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है। ग्रामीणों को कीचड़ में पैर रखकर निकलने में समस्या बनी हुई है। जिन स्थानों पर पानी भरा हुआ है वहां पर आज तक कोई फिनाइल व मलेरिया ऑयल व न्यूआन का भी छिड़काव नहीं करवाया गया है। कॉलोनियों में रहवासियों का कहना है कि गंदे पानी की सफाई करवाई जाए। दिनारा से संवाददाता विकास राजा की रिपोर्ट। बीए बीएससी बीकॉम हेतु प्रवेश प्रारंभ अल इब्राहिम महाविद्यालय अमरपुर रक्सा झांसी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9453907214।